लोग हैं जो करीब घर के लोग जो है ठीक है। नमान आप हमारे साथ मौजूद रहिए, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। ये वीडियो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएं जिसमें देखा जा सकता है ये वो कॉलोनी है अलकरीम कॉलोनी अलकरीम टाउन जिसके बारे में नुमान खान बाबर ब्यूरो चीफ मुल्तान हमें बता रहे थे। पुलिस अब जाय वकूआ पर पहुंच चुकी है, वहां पर मौजूद ये घर जहां पर कंदील बलोच गुज़श्ता 6 रोज से मौजूद थी। बहरहाल जैसे नुमान ने हमें बताया कि वो इनकार कर रही थी, वो कह रही थी कि वो कराची में मौजूद है, लेकिन बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक होगी। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त वहां पर मौजूद है और खुसूसी तौर पर आईजी पंजाब मुश्ताक सुखेरा की जाने से कंदील बलोच के कत्ल का नोटिस लिया गया है और पुलिस के अफसरान को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की गई है। ये उस घर के मनाजिर हैं जहां पर कंदील बलोच गुज़श्ता 6 रोज से रिहाइश पजीर थी। यहां पर पुलिस की भारी नफरी देखी जा सकती है। मुल्तान में अलकरीम टाउन है जहां पर कंदील बलोच गुज़श्ता 6 रोज से कयाम पजीर थी। यहां पर इत्तलात हैं कि उनके भाई ने उनको गला दबाकर कत्ल कर दिया है। पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि कंदील बलोच के सिंगिंग और मॉडलिंग में आने की वजह से उनके अहले खाना ने उनसे कतअ ताल्लुकी इख्तियार कर रखी थी, लेकिन कंदील बलोच जो कि गुज़श्ता कुछ रोज से यहां पर मुकीम थी उनके भाई ने उनको कत्ल कर दिया है। और मौलाना अब्दुल कवी से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हो सकता है कि उनके भाई ने गैरत के नाम पर उनको कत्ल कर दिया हो। पुलिस अभी इस मामले की तहकीकात कर रही है, मुलजिम को तलाश करने की भी कोशिश कर रही है। नुमान खान बाबर वहां मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नुमान, उनके भाई के हवाले से कोई इत्तलात मौसूल हो सकी? जी बिल्कुल, अभी तक जो है भाई मकरूर है उसको गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। पुलिस ने डेड बॉडी को जो है एक कमरे में रख दिया है, उसके बाद जो अंदर ही जो हमसाए हैं करीब जो अजीजों कार के उनको बुला बुलाकर तफ्तीश की जा रही है, ध्यान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है डेड बॉडी को भी रवाना नहीं किया जा रहा पोस्टमार्टम के लिए। अभी तफ्तीश जारी है, मुख्तलिफ एंगल से जो है तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि जो कंदील बलोच है वो मुख्तलिफ स्कैंडल से भी इन्वॉल्व थे, उसके साथ हम जो सिक्योरिटी थ्रेड भी थे जिसके बारे में उन्होंने वजारत दाखिला से भी रिजूस किया था, लेकिन उनकी सिक्योरिटी काम नहीं की गई थी। ठीक है, सूरत-ए-हाल अब यहाँ पर है कि अब ठीक है। नुमान खान बाबर आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। बाकायदा तौर पर अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि कंदील बलोच को कत्ल कर दिया गया है और मुबैना तौर पर यह शक जाहिर किया जा रहा है कि उनके भाई ने उनका गला दबाकर उनका कत्ल किया है। ये घर के बाहर के मनाजिर आप देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है और बाकायदा तौर पर आईजी पंजाब की जानिब से अहकाम